हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, स्पेशली अकाउंटेंट के लिए जो अकाउंटेंट फील्ड में वर्क करते हैं। क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ TDS अकाउंटिंग, जो कि हम टैली RP9 में करते हैं। आज के इस कंसेप्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से टैली RP9 को अगर आप मेंटेन करते हैं और अगर आप TDS डिडक्टर हैं, TDS काटते हैं या आपका TDS कटता है, तो जो उसकी ट्रांजैक्शन होती है वो टैली RP9 में किस तरीके से करी जाती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जब हम TDS डिडक्ट करते हैं, चाहे वो सैलरी के ऊपर हो या नॉन सैलरी के ऊपर हो, तो उसको हम टैली RP9 में कहाँ जाकर देखते हैं, क्या उसकी आउटस्टैंडिंग है, चालान को किस तरीके से टैली RP9 में जो आपने TDS डिडक्ट किया हुआ है उसके अंदर फिल किया जाता है। अगर आप TDS पे काम करते हैं तो आपको ये पता होगा कि जब हम TDS की चालान जनरेट करते हैं, मतलब हर महीने के एंड के अगले महीने के 7 तारीख ड्यू डेट होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सितंबर चल रहा है हमारा, सितंबर की जो TDS की ड्यू डेट होगी, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो गवर्नमेंट के खजाने में पे करके हम जमा करते हैं, सितंबर की लास्ट डेट 7 अक्टूबर हम कह सकते हैं। क्योंकि हर महीने का जो एंड ऑफ मंथ, अगला महीना जो होता है, अगले महीने का जो 7 तारीख होता है, वो हमारी ड्यू पेमेंट होती है। तो वो सारी चीज़ें हम टैली RP9 में जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी बेस पे कंसेप्ट बता देता हूँ कि TDS होता क्या है, इसमें डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टी कौन होता है, ड्यू डेट कब क्या होता है, हमारे 26 क्यू फॉर्म कौन से होते हैं, 27 क्यू फॉर्म क्या होता है हमारा, 16A 16 फॉर्म, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो TDS में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए कंसेप्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि TDS क्या है। तो देखिए, TDS की फुल फॉर्म जो होती है वो टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता है। ये इनकम टैक्स के डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। ये सैलरी के ऊपर, रेंट के ऊपर, कमीशन के ऊपर, यानी जो हमारे सर्विसेज होते हैं उनके ऊपर डिडक्ट किया जाता है। जो TDS हम कलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में हम जमा करवाते हैं। और जो TDS हमारा डिडक्ट होता है, तो उस TDS की जो एडजस्टमेंट होती है, जब हम अपना ITR फाइल करवा रहे होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस टाइम पे हम उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। अगला है कि व्हेन शुड TDS बी डिडक्टेड बाय एंड बाय हूम, TDS कब कटता है और कौन कटता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिक्वायर है आपका कि आप डिडक्ट, यानी आप TDS काटेंगे सामने वाले का, तो आपके पास 10 नंबर होना बहुत जरूरी है, तभी आप TDS काटेंगे। अगर 10 नंबर नहीं है तो आप TDS नहीं काट सकते। इसी तरीके से सामने वाले के पास पैन नंबर होना जरूरी होता है। अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो इनकम टैक्स जो एक्ट है वो कहता है कि अगर सामने वाले के पास पैन नंबर नहीं है तो आप 20% इसके ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हैं। डिडक्टर कौन होता है और डिडक्टी कौन होता है अंडर इनकम टैक्स? तो जो TDS काटता है वो डिडक्टर होता है और जिसका TDS कटता है वो डिडक्टी होता है। When TDS is not required to be deducted, TDS कब, यानी कि इस केस में नहीं काटा जाता? तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम RBI बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट के साथ कोई अमाउंट पे करते हैं उसको, तो उस केस में हमें TDS नहीं काटना होता। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट पेड और क्रेडिट टू बैंकिंग कंपनी हो गई, हमारी LIC हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, NSE हो गए, KVP हो गए, एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें हैं, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उसके ऊपर हमें TDS काटने की जरूरत नहीं होती। ड्यू डेट क्या होता है डिपॉजिट TDS का? तो जब आप TDS काटते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर महीने के ख़त्म होने के अगले महीने के 7 तारीख तक, जुलाई की बात करूँ तो 7 अगस्त उसकी लास्ट ड्यू डेट है, अगर सितंबर की बात करूँ तो 7 अक्टूबर है, नवंबर की बात करूँ तो 7 दिसंबर है, यानी समझ गया कि हर महीने का ख़त्म होने के अगले महीने के 7 तारीख लास्ट डेट माना जाता है। बस एक केस ऐसा है जो मार्च का है, वो 30 अप्रैल के लिए रख दिया गया है कि मार्च का 7 अप्रैल की जगह 30 अप्रैल कर दिया गया है। और ऐसा जरूरी भी है क्योंकि लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उस टाइम पर बहुत बर्डन होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने मार्च को 7 अप्रैल ना करके 30 अप्रैल किया हुआ है। हाउ टू डिपॉजिट और पे TDS? तो दोस्तों, मैंने
अपने वीडियो में आप लोगों को ये बताया हुआ है कि टीडीएस किस तरीके से हम पे करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं। अगला जो है वो टाइप ऑफ टीडीएस रिटर्न एंड देयर ड्यू डेट। टीडीएस रिटर्न के टाइप ऑफ टीडीएस रिटर्न क्या है और जो उसका ड्यू डेट है। टीडीएस की रिटर्न क्वार्टरली जाती है, आप सभी जानते हैं, और हर क्वार्टर के खत्म होने के 30 तारीख तक हमारी लास्ट डेट मानी जाती है। जैसे अप्रैल मई जून है तो 30 जुलाई उसकी लास्ट डेट मानी जाएगी क्वार्टर की, लेकिन पेमेंट हर महीने होती है, मंथली पेमेंट जाती है, और जो टीडीएस की रिटर्न है वो हमारी क्वार्टरली जाती है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जीएसटी के अंदर जो क्वार्टरली होते हैं उनका पेमेंट तो हर महीने जाता है जीएसटी के अंदर, लेकिन रिटर्न क्वार्टरली जाती है, तो आप उसको भी इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उनके ड्यू डेट, ट्रांजेक्शन और फॉर्म नंबर। तो फॉर्म 24Q जो है वो टीडीएस के ऊपर है, यानी टीडीएस के ऊपर जब आप सैलरी काटते हैं तो जो फॉर्म इशू किया जाता है वो 24Q है। आप अपने एम्प्लॉय को इशू करते हैं और ये क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ की ये ड्यू डेट दी हुई है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ये 26Q है जो कि TDS on all payment except salary, यानी कि जो 26Q है वो हमारी except salary होती है, मतलब non salary से related है। जैसे commission हो गया, brokerage हो गया, rent हो गया, professional fees हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप service purchase करते हैं तो उसके ऊपर जो आप form issue करेंगे वो 26Q होगा। यहाँ पे ड्यू डेट आप लोग देख सकते होंगे, सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे, ये दिया हुआ है, आप ये पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फटाफट। तो जो अगला है दोस्तों, व्हाट इज टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है? तो जब भी हम किसी का टीडीएस काटते हैं तो उस केस में हमें अपने सामने वाले का जिसका टीडीएस कटा हुआ है उसको हमें सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये सर्टिफिकेट हमारे फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 16B, 16C है, इस तरीके के ये हमारे टीडीएस सर्टिफिकेट होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 16B, 16C। टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट के टाइम आप 16 फॉर्म का सर्टिफिकेट देंगे। ये नॉन सैलरी वाले हमारे सर्टिफिकेट होते हैं। ये टीडीएस ऑन सेल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको टीडीएस काटा हुआ तो ये फॉर्म इशू करेंगे। ये ड्यू डेट है कि कब तक आप उसको इशू कर देंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज फॉर्म 26AS। 26AS क्या है? तो मैं आपको सिंपली भाषा में बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं किसी का टीडीएस काटता हूँ और उस टीडीएस को गवर्नमेंट के खजाने में जमा कर देता हूँ, तो अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि जो उसका टीडीएस कटा है वो एक्चुअल में जमा हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके एडजस्टमेंट भी करनी होती है हमें आईटीआर से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि इनकम टैक्स में जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रखा हुआ है, पैन नंबर होना जरूरी है अगर आईटीआर में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आप, तो वहाँ पे लॉगिन जब आप करते हैं, लॉगिन करने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो एक वहाँ पे टैब मिलेगा जिसके अंदर आप ये 26AS देखेंगे। 26AS को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि वो एक तरीके का वॉलेट होता है जो गवर्नमेंट आपके लिए देती है, सामने वाले के लिए, जो डिडक्टी होता है, डिडक्टी के लिए गवर्नमेंट ने ये एक वॉलेट बनाया हुआ है। जैसे पेटीएम वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है, गूगल पे वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो वॉलेट आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी पेमेंट पड़ी हुई है। तो जब हम किसी का टीडीएस काटते हैं और जब वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं तो गवर्नमेंट उस अमाउंट को डिडक्टी के 26AS, आप इसे वॉलेट कीजिए कि इस वॉलेट में वो जमा कर देती है और वो अपने आईटीआर में लॉगिन करके ये देख सकता है। तो 26AS है कि अलग अलग मल्टीपल पर्सन ने मान लीजिए अगर मेरा टीडीएस कटा है, 10 लोगों ने काटा हुआ, तो 10 के लोगों ने जमा किया हुआ, तो उन सबका अमाउंट एक जगह में देख सकता हूँ, वो 26AS होता है हमारा। अब देखते हैं कि टीडीएस एंट्री टैली आरपी 9 में किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो टैली आरपी 9 में एंट्री करने के लिए आपको इन चार चीज़ों को खासतौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ पेमेंट ये बनाना होता है, फिर एक्सपेंस लेजर बनाना होता है, फिर पार्टी बनाना होता है, और फिर एक ड्यूटी एंड टैक्स का लेजर बनाना होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, यहाँ पे आप लोग देखिए गौरव प्लेसमेंट जीएसटी नंबर ये दिया हुआ है, प्रोवाइड अस मैन पावर सप्लाई जाए पर बिलो मेंशन ये दिए हुए हैं, इनवॉइस नंबर ये है, डेट 2/5/20 में है, टैक्सेबल वैल्यू इतना दिया हुआ है, जीएसटी इस पर इतना लगा हुआ है, टोटल अमाउंट इतना लगा हुआ है। आज के वीडियो में मैं जीएसटी कवर कर नहीं रहा, तो जीएसटी में इसके ऊपर लूंगा नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जीएसटी के साथ में टीडीएस आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके आप अपनी राय दीजिएगा, जितना कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि टीडीएस विद जीएसटी को किस तरीके से टैली आरपी 9 में मेंटेन किया जाता है।
अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पॉइंट टू बी रिमेम्बर बिफोर इनवॉइस रिकॉर्डिंग, टाइप ऑफ डिडक्टी पता होना चाहिए कि जो का आप अमाउंट काट रहे हैं वो किस तरीके का डिडक्टी है। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंस है वो किसके अंदर जाएगा, और ग्रॉस लिमिट आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो बंदा है वो किसके अंदर आए, कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एसोसिएट है, क्या कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर इनवॉइस पे जीएसटी नंबर होता है, और जीएसटी नंबर में जो ये दो डिजिट है, ये दो डिजिट हमारे स्टेट को डिनोट करते हैं। आगे का जो 10 डिजिट मिलेगा वो मिलेगा आपको उसका पैन नंबर, और पैन नंबर के बेस पर हमें पता चल जाता है कि वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, आप एचयूएफ है, जो भी है। तो पैन नंबर जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, और चौथे डिजिट पे यानी पैन नंबर का जो चौथा डिजिट होगा वो आपको बता देगा बहुत आसानी तरीके से कि वो कंपनी है। अगर कंपनी है तो यहाँ पे सी लिखा होगा, प्रोपाइटरशिप यानी इंडिविजुअल है तो पी लिखा होगा, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, फर्म होगा तो एफ लिखा होगा, इससे पता चल जाएगा। तो जब आप पार्टी लेजर क्रिएट करोगे तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो आप इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, क्या है। चलिए इसको मैं फटाफट एंट्री पास करता हूँ। तो टैली आरपी 9 में हम चलते हैं, और यहाँ पे आप लोग देखिए कि गौरव प्लेसमेंट ने क्या मेन पावर सप्लाई कर रहा है। तो चलिए टैली आरपी 9 में चलते हैं। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, एक बार कॉन्फ़िगर कर देना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप लोगों को चला जाना, सॉरी कॉन्फ़िगर नहीं, फीचर में जाना है। फीचर में जाने के बाद आप लोगों को चला जाना है स्टैच्यूरी टैक्सेशन में। यहाँ पे जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा टीडीएस से रिलेटेड, उस ऑप्शन को आप यस करेंगे। तो एंटर एंटर करके मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखिए ये ऑप्शन आपको यस करना है, और फिर इसके नीचे वाला सेट अल्टर टीडीएस यहाँ पे आपको यस करना है। अब यहाँ पे आप 10 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, 10 नंबर डालेंगे, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, और अगर फर्म वगैरह है, और यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही, जैसे दो ही आ रही है, तो इस केस में आप एक बार कॉन्फ़िगर करके इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। सो ऑल डिडक्टेड टाइप, इस ऑप्शन को यस करके इसे सेव कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिडक्टर जो कलेक्टर और डिडक्टर है वो टाइप आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको इंडिविजुअल लेके चलते हैं। जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, चलिए मैं कंपनी ले रहा हूँ, तो मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये कंपनी है। इसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा कि वो क्या चीज़ें होती है, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। टीडीएस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, ये दोबारा बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे से बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पूरा कंसेप्ट जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। पहला हो गया। अब मैं चलता हूँ अकाउंटिंग इन्फो में और स्टैचुरी इन्फो में जाके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट जितने भी होंगे। तो मैं यहाँ नहीं करवाता, मैं आपको सीधे शॉर्टकट बताता हूँ, यानी जब जरूरत हो तब बनाओ, यानी फालतू में बना के हमने छोड़ दिया। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद मैं परचेज में जाता हूँ, और परचेज में जाने के बाद यहाँ पे 1 अप्रैल में डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, तो इनवॉइस नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 01 ले लेते हैं। हालांकि यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमारा चल ही रहा है। अब डेट हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और यहाँ से हम एक पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम क्या है, गौरव प्लेसमेंट। तो गौरव प्लेसमेंट ये मेरे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि मैं इससे सर्विस परचेज कर रहा हूँ। मेंटेन बिलिंग व बिल ऑप्शन आपको यस रखना है। इसके बाद इस टीडीएस डिडक्टेबल इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको बताना है ये कंपनी है, फॉर्म में क्या है। तो देखिए इसके पैन नंबर का जो चौथा डिजिट है वो पी है, यानी प्रोपाइटरशिप है। तो मैं यहाँ से प्रोपाइटरशिप यानी इंडिविजुअल जो है ये हमारा प्रोपाइटरशिप है, हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। सिंपल कुछ नहीं करना। एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आपने पार्टी बनाते टाइम पैन नंबर मेंशन नहीं किया तो इसका 20% डिडक्ट हो जाएगा। तो पैन नंबर जो है वो पैन नंबर आप जीएसटी नंबर से डाल के भी देख सकते हैं। तो CYMPS लिखा हुआ है, CYMPS 9400E 9400E, मैं हमने ये पैन नंबर डाला। इसके बाद मैं एंटर करके आगे बढ़ता हूँ, सेव करता हूँ। मेन पावर यहाँ पे देखिए मेन पावर सप्लाई हो रहा है, तो ऑल सी करके यहीं पे मेन पावर सप्लाई मैं इसको ले लेता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसके बाद आपको ये कुछ नहीं करना, नॉर्मली नॉट एप्लीकेबल रखिए। यहाँ पे आपको करना है इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो मैं इसको करने वाला हूँ एप्लीकेबल। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये दो चीज़ आप लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी आप खर्चा बनाएंगे टीडीएस से रिलेटेड, यानी जिसके ऊपर आप टीडीएस काट रहे हैं, जो वो एक्सपेंस है,
एक्सपेंस बनाते टाइम हमेशा आप न्यू कैटेगरी लेके चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे हम सिर्फ सर्विस लिख देता हूँ, तो सर्विस ये बता रहा ऑलरेडी है। चलिए मैं यहाँ पे मैन पावर सप्लाई लिख देता हूँ। सेक्शन कोड इसका हम ले लेते हैं, सेक्शन कोड आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगा इजीली। तो फॉर एग्जांपल के लिए बस ऐसे मत कमेंट करके मत बोल दीजिएगा कि जो 94H होता है वो कमीशन और ब्रोकरेज के लिए होता है। मैं सिर्फ डाल रहा हूँ क्योंकि तो अगर ज़्यादा लंबा मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए एग्जाम्पल के लिए मैं ये लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है 94H कमीशन और ब्रोकरेज के लिए, बस एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है। इसके ऊपर हम जैसे कि 10% मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है कितना है, 55,000, मैंने ये 55,000 रुपये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे टीडीएस नेचर और पेमेंट डिटेल, ये मेन पावर सप्लाई आ रहा है, क्रॉस चेकिंग होता है। अगर आपके केस में नहीं आता अमाउंट पे एंटर करने के बाद, तो आप कॉन्फिगर कर दीजिएगा और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, अलाउ मॉडिफिकेशन यस, ताकि ये आपसे पूछे। ये क्रॉस रेफरेंस होता है, स्पेस सप्लाई करके देखिए, आप बहुत से आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मेन सप्लाई से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये टीडीएस पेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये टीडीएस पेबल मैंने बनाया है, ये ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जाएगा, ये टीडीएस है। अब एक्सपेंस बनाते टाइम आपको न्यू कैटेगरी लेना है, लेकिन आप टीडीएस पेबल एक ही बार बनाएंगे और इसमें एनी सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। दो आप बना सकते हैं, टीडीएस पेबल और टीडीएस रिसीवेबल। टीडीएस रिसीवेबल आप जब यूज करेंगे जब आप सेल की एंट्री पास करेंगे, लेकिन परचेज की एंट्री करते टाइम आप टीडीएस पेबल करेंगे, क्योंकि वो टीडीएस हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। यहाँ पे आप देखिए 10% इसके ऊपर डिडक्ट हो गया है। अब यहीं पे टैक्स एनालाइज देखने के लिए आप ऑल्ट ए ऑल्ट F1 ये आप प्रेस करेंगे, पहले ऑल्ट ए फिर ऑल्ट F1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 10% 55,000 के ऊपर 55,000 रुपये कट चुका है, मेन सप्लाई है, असाइबल वैल्यू कितना आ रहा है। तो स्कैप कर देंगे हम इसको और इसको हम कर देंगे न्यू रेफरेंस लेते हुए, फिर से न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे हम नाम देते हैं TDS। दो इनवॉइस आपके कटेंगे, एक मेन जितना का अमाउंट और जितना आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट। ये हो गया हमारी टीडीएस की एंट्री। अब डिस्प्ले में चलते हैं और यहाँ स्टैचुरी रिपोर्ट में चलते हैं। टीडीएस रिपोर्ट 26 क्यों अदर देन सैलरी होता है, क्योंकि मैंने सैलरी के ऊपर नहीं करा, किसके ऊपर करा मैंने, मेन पावर सप्लाई के ऊपर। 26 क्यों में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दो एंट्री दिख जाएगी। देखिए गौरव प्लेसमेंट वाली एंट्री। अब आप लोग यहाँ पे देखिए जीरो आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, नोट इंक्लूड ट्रांजेक्शन में अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ से तो हम अपनी 26 की एंट्री चेक कर सकते हैं होता क्या है। इसके बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे ना, और जब आप टीडीएस की पेमेंट करेंगे, तो चलिए मैं पेमेंट में चलता हूँ। पेमेंट में चलने के बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से क्लिक करके सबसे अच्छा है, चलिए मैं यहाँ से ही बता देता हूँ आपको। टीडीएस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और 1 अप्रैल 19 है, चलिए 19 ले लेते हैं, 20 डाल रहा था, 1 वही ले लेता हूँ। डिडक्टेबल डेट 1/4 अप्रैल 94H था आपका, वो सेलेक्ट आ जाएगा सामने। मेन पावर सप्लाई हमने सेलेक्ट कर लिया, डिडक्टेड टाइप कौन था, वो कंपनी था नॉन कंपनी था, तो हम नॉन कंपनी ले लेंगे कि नॉन कंपनी था वो। इसके बाद रेजिडेंट था वो हमारा, इसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पे मेंशन होगी कि सरचार्ज कितना है इसके ऊपर, एजुकेशन साइज कितना है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो चुकी है। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटर, एंटर करके एक्सेप्ट, इसने अपने आप ही कैच कर लिया। अब चलते हैं हम डिस्प्ले में, स्टैचुरी रिपोर्ट में, टीडीएस रिपोर्ट पर 26 क्यों में। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये नोट इंक्लूड ट्रांजेक्शन आ गया। ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपने चलान की डिटेल फिल नहीं करी है। तो एंटर कीजिए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप चलान नंबर डाल दीजिए। चलान नंबर कैसे डालेंगे आप, चेक के थ्रू कराते, चेक का नंबर और चेक डेट, वरना चलान यहाँ पे आप फिल कर देंगे, BSR कोड, चलान नंबर, चलान डेट, और इसके बाद इसको आप एंट्री करके सेव कर देंगे। अब चलान किस तरीके से जनरेट किया जाता है, जब आप ऑनलाइन TDS की पेमेंट करते हैं तो आपके सामने चलान आ जाता है, उस चलान पे सब कुछ मेंशन होता है, BSR कोड, चलान नंबर, चलान डेट वगैरह, ये सारी चीजें मेंशन होती है। तो चलिए मैं BSR कोड डाल देता हूँ, 7 नंबर का होता है, मैंने 6 डाला है सिर्फ। चलान नंबर भी हम डाल देते हैं इस एग्जांपल के लिए, चलान डेट डाल देते हैं हम यहाँ पे, और किस बैंक के थ्रू करा है, तो मैंने SBI बैंक सेलेक्ट किया और
ब्रांच हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए वो हट गया यहाँ पे और इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इंक्लूड ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंक्लूड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं। अब आउटस्टैंडिंग अगर आप जाकर देखेंगे तो कुछ भी मेंशन नहीं हो रहा होगा। तो टीडीएस की एंट्री आप लोगों की कंप्लीट, इस तरीके से हम टीडीएस की एंट्री टैली आरपी 9 में करते हैं। एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो हर अकाउंटेंट करता है वो क्या करता है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टीडीएस की जब वो पेमेंट करता है वो किस तरीके से पेमेंट करता है, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले में स्टैचुअरी रिपोर्ट में जाता है टीडीएस रिपोर्ट में 26Q में, तो यहाँ पे ये एंट्री पास नहीं होती। यहाँ से तो हट जाती है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही होती है। तो मैं वो मिस्टेक आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा मेरे अगले वीडियो के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो टैली आरपी 9 को मेंटेन करते हैं, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।